हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SCI की तरफ से, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। अभी आप सोच रहे होंगे SCI क्या होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपका कोर्ट अटेंडेंट, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की भर्ती निकल के आई है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी और इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। तो चलिए हम जानेंगे इसके बारे में फुल डिटेल्स की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होगा, सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना, एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह ऑफिशियली जो रिलीज़ किया गया है डाउनलोड करके आप देखना चाहते हो ना, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए। देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि ग्रुप सी यानी लेवल 3 की पोस्ट है। जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के लिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अप्लाई का जो डेट है ना, 23rd of August, यानी कि कल से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 12th of September, मतलब 23 अगस्त से 12 सितंबर तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो 23 को जैसे ही ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है, आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें और अप्लीकेशन को कंप्लीट कर ले। 12 सितंबर तक बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते वक्त फ़ी क्या लिया जाता है, देखिए, जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट से 400 यानी 400 रुपया, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से 200 यानी कि 200 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ अलग से कंसेशन नहीं दिया गया है। जो फीमेल कैंडिडेट भी जनरल OBC EWS है, 400 पे करेंगी, SC ST और PH कैंडिडेट 200 रुपीज़। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि एज लिमिट क्या होगा। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कट ऑफ डेट क्या है एज के कैलकुलेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एज ऑन 1st of August 2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 to 27 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष से 27 वर्ष के सभी कैंडिडेट यहां पर इलिजिबल रहेंगे। साथ के साथ रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में OBC को 3 ईयर्स का। तो जो OBC के बच्चे होंगे उनके लिए अपर एज लिमिट क्या है, 27 और 30 साल। SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स है, तो उनके लिए 32 ईयर्स आपका अपर एज रहेगा। उसके बाद बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा। तो देखिए, क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ हायर नहीं डिमांड किया गया, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 10th यानी 10वीं पास कर रखी है, डजंट मैटर व्हाट इज़ द परसेंटेज इन योर 10th क्लास, बस आप पास आउट हो तो आप अप्लाई कर देना। लेकिन अब जैसा कि आपको मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, ये जूनियर कोर्ट अटेंडेंट तो है, लेकिन कुकिंग नॉलेज, जैसे ही आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और ब्रैकेट में दिया गया कि कुकिंग सर्विसेज कुकिंग नॉलेज वाले के लिए भर्ती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा, 1 साल का अगर आपने डिप्लोमा कुकिंग या कलिनरी आर्ट से कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। 3 ईयर्स का, कम से कम आपको 3 वर्ष का खाना बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। ये एग्ज़ाम सेंटर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किन किन स्टेज से पास आउट होने के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर की जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है ताकि आप भी बहुत अच्छे से समझ पाओ। देखिए, सिलेक्शन की प्रोसेस आपका 3 स्टेज है, मतलब 3 स्टेज से पास करो और सिलेक्शन हो जाएगा आपका और आप जॉब करने लग जाओगे। पहले स्टेज पर रिटर्न एग्जाम होगा, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के लिए आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट इन कुकिंग। अब जैसा कि आपको पता है कि कुकिंग नॉलेज वाले के लिए भर्ती है, तो 2nd स्टेज पर आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपको बताना है, खाना बना के दिखाना है प्रैक्टिकली कि हाँ सच में आपको कुकिंग आता है, आपने कहीं से फर्जी डिग्री लेके यहाँ पर जॉब नहीं ले लिया है, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है ना 70 यानी 70 नंबर का।
थर्ड चीज है आपका पर्सनल इंटरव्यू, बेसिक सा एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 30 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर एक चीज मतलब बगल में ब्रैकेट करके लिखा हुआ था कि आपको पर सेक्शन में, जैसे कि ये आपका रिटन एग्जाम है तो कम से कम आपको 60% लाना है तभी आप ट्रेड टेस्ट के लिए आएंगे। फिर इसमें आप 70 मार्क्स का है तो उसमें भी 60%, और फिर इंटरव्यू में आपका 30 मार्क्स है तो 60%। तो सारे सेक्शन में आपका मिनिमम 60% आपका पासिंग मार्क्स है भी आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। और टोटल आपका 200 नंबर का हो गया सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। उसमें से आपको पासिंग किया है 60%। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो अब हम लोग रिटन एग्जाम को इन डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आपका जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, फॉर 100 क्वेश्चन विच इज फॉर 100 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन एक नंबर मिलता है और समय रहता है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये कुछ अपने मन से मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये चीज नोटिफिकेशन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। अब बात करें कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला है जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न यानी कि 30 क्वेश्चन ऑफ GK फॉर 30 मार्क्स। सेकेंड आपका कुकिंग या फिर कलिनरी आर्ट से, मतलब कुकिंग नॉलेज से रिलेटेड 70 यानी कि 70 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, खाना बनाने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा 70 नंबर का, क्योंकि कुकिंग को यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा आप कुकिंग की पोस्ट है तो ट्रेड टेस्ट में भी वही होगा, एग्जाम में भी वही पूछा जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम है उसका सेंटर कहाँ होगा। तो एग्जाम का सेंटर ना टोटल 16 स्टेट में है, इंडिया के 16 स्टेट में है और 17 एग्जाम सेंटर है। कौन कौन सा सिटी है मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। हाँ, स्टेट भी बताया गया, वैसे तो सिटी के नाम से ही लोग स्टेट समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझ आए वो नोटिफिकेशन में स्टेट भी देख लेंगे। अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, इरानकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और विशाखापट्टनम। तो ये आपका 17 एग्जाम सेंटर रहेगा। देखिए जो चाहे वो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं, स्टेट सिटी सब मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन में। तो इस सब जगह पे आपका 17 जगह 17 शहर में एग्जाम सेंटर रहेगा। और एग्जाम देने के बाद आपको ट्रेड टेस्ट निकालना है, उसके बाद तो मैंने बता ही दिया है क्या क्या प्रोसेस होगा। तो आप सोच रहे होंगे जॉब की लोकेशन कहाँ रहेगी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड है न्यू दिल्ली इंडिया में, तो न्यू दिल्ली में ही आपकी जॉब की लोकेशन रहेगी। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सैलरी क्या रहेगी फ्रेंड्स, मतलब इसका सैलरी इतना अच्छा है ना कि इसको देख के आप खुद ही जाओगे और जल्दी से फॉर्म अप्लाई करोगे और पढ़ाई करने लग जाओगे। देखिए सैलरी लेवल 3 का मिलता है, शुरुआती दौर में जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो आपकी सैलरी 50,000 के करीब है, देखिए 46,210 रुपया। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बस आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया, नोटिफिकेशन में भी साफ साफ देख सकते हो। और जैसे जैसे जॉब करोगे ना साल दर साल सैलरी बढ़ेगा, तो 1-1.5 लाख तक भी इसका सैलरी चला जाएगा। और ज्यादा कुछ आपसे एक्सपीरियंस या फिर ये सब भी कुछ डिमांड नहीं किया गया, सिंपल सा कुकिंग से रिलेटेड है। तो आई होप इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। एक चीज अभी भी आपको जानना बाकी है, वो क्या है, टोटल पोस्ट यानी टोटल पद कितना है। तो ये देखिए आपका 80 पोस्ट के लिए भर्ती आई है, अभी इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी। अब भी कुछ जानना हो तो हेजिटेट नहीं करिएगा, कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।